मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विभिन्न सामाजिक व्यक्तियों संस्थान द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग को दान में प्राप्त हुए 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शासन द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ अब 110 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस महामारी काल में स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन प्लांट के साथ सीटी स्कैन मशीन भी जल्द स्थापित होने वाली है। जिला अस्पताल में जगह उपलब्धता पूर्ण कर ली है, जिसका ऑर्डर भी हो चुका है। जिला अस्पताल के लैब में विभिन्न अलग अलग जांचों के लिए भी मशीनें आई हैं और जिला अस्पताल की स्थिति में सुधार हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा इतनी है कि अब महामारी में ज़िले के पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए हैं और अब इसकी कमी से ज़िले की जनता को नहीं जूझना पड़ेगा। इसी क्रम में आज कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग प्रदान करने हेतु व कलेक्ट्रेट परिसर अनूपपुर में विकासखंड अनूपपुर द्वारा NRALM की सहयोगी आशा संस्था CFT के रूप में कार्य कर रही संस्था आशा संस्था के द्वारा 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कलेक्ट्रेट परिसर अनूपपुर स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया। हमारे जिला अस्पताल में अभी हमारे ज़िले में इस 5 को मिला के 112 कंसंट्रेटर हो गए। ये ऐसे कंसंट्रेटर हैं 10 लीटर वाले जो गंभीर मरीजों में काम आते हैं। लगभग हमको 15 कंसंट्रेटर लोगों से मिले हैं इस कोरोना काल में और बाकी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए। इसको रहने से हमारे ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड जो हम खरीद कर लाते थे वो बहुत कम हो गई है और हर मरीज को हर बेड के पास हम इसको रख सकते हैं। अभी ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है पूरे जिले में देखा जाए, CSC आपके PSC और जिला अस्पताल में सभी जगह? पूरे जिले में अभी ऑक्सीजन चूँकि प्लांट यहीं पे है, 500 हमारे सिलेंडर है जो 120 तक इस्तेमाल होते थे, कल 15 इस्तेमाल हुए हैं, तो मैक्सिमम काम हमारा कंसंट्रेटर ही कर रहा है। हमारे पास जो अभी स्टॉक में है कम से कम 10 दिन के स्टॉक ऑक्सीजन मेरे पास है जी। अभी किन लोगों ने दिया ये आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? ये NRALM द्वारा गिफ्ट किया गया है कोविड मरीज। NRALM और NRALM एंड आशा दोनों लोगों के द्वारा मिलकर दिया। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अभार।